ये सवाल था कि जैसे अब हमने स्टार्ट किया ना चैनल, तो हमें स्टार्ट में वीडियो बनाने में बहुत मसला होता है, हमें कभी कभी कंटेंट नहीं मिलता, हम कभी कौन सी वीडियो बना देते हैं कभी कौन सी वीडियो बना देते हैं, तो जो कमेंट्स आते हैं ना वो हमें कहते हैं कि आप एक साइड पे जाएं, एक वीडियो बनाएं। कभी तो हमारी कोई मोटिवेशनल होती है, कभी इस्लामिक होती है, कभी ट्रैवलिंग की होती है, कभी कहाँ की होती है, तो वो इस तरह को हम किस तरह को कंपनसेट करें, मतलब हमें एक डायरेक्शन नहीं मिल रही। हम असल में हमारे जहन में तो ये होता है हम ग्रैब करें ऑडियंस को, हम उनको इंटरटेन करें, लेकिन क्योंकि फीडबैक भी आ रहा है, फैमिली भी दे रही होती है, रिलेटिव्स भी दे रहे होते हैं, इधर हमारे जो मुखलिस फ्रेंड्स होते हैं वो भी, और एक कम्युनिटी है वो कमेंट से भी हमें बता रही होती है, तो ये इस तरह हम इसको किस वे में लेकर जाएं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? ज़ीशान। ज़ीशान, मैं भूल जाता हूँ ज़ीशान। अच्छा ज़ीशान, सबसे पहले तो आपका सवाल जेन्युइन है, ठीक है, और ये एक सही मायनों में एक बड़ा सवाल है। देखिए सबसे पहले ना आपका सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैं समझ पाया हूँ, ठीक है, ताकि उसके मुताबिक मैं बोलूँ। आपका सवाल ये है कि हम कभी कोई किस, जैसे हम कभी मोटिवेशनल कंटेंट डालते हैं, कभी हम वीलॉगिंग का चले जाते हैं, कभी हम न्यूज़ में चले जाते हैं, कभी सेल्फ हेल्प में, कभी पीपल इंटरव्यूज़ में, तो इतनी सारी जो कैटेगरी से हम जा रहे हैं, तो इन दी एंड हम जो वीडियो अच्छी बनती है तो उसके कमेंट्स आते हैं कि ऐसी बनाओ, दोस्त कहते हैं कि ऐसी बनाओ, दिल की आवाज़ कहती है कि नहीं मुझे यहाँ पे जाने हैं, तो ये मुख्तलिफ आपके साथ उलझने हैं, इसको आप कहते हो कि यार मुझे एक पाथ चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए और मैं YouTube से पैसे भी कमा लूँ और चैनल भी बन जाऊँ। एग्जैक्ट यही सवाल है ना। अच्छा देखो, ज़िंदगी में जॉब हमें चूज़ करती है, हम जॉब को चूज़ करते हैं, हम जॉब को चूज़ करते हैं क्योंकि पैशन भी, बस ये यानी हम जॉब चूज़ करते हैं, जॉब हमें चूज़ करती है, पहले इनसे पूछूंगा फिर आपसे। मेरे ख्याल में तो हम जॉब को चूज़ करते हैं अपने। आप करते हो, आप बताओ। हम खुद ही चूज़ करते हैं। हाँ बोलो। भी जिस तरह हमारी स्किल्स होती हैं, हमारा पैशन होता है, हम उस तरह के जॉब्स चाहते हैं, उस तरह उस डायरेक्शन में जाएं, उस तरह के काम करें ताकि हमें दिली सुकून मिले। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ, पाकिस्तान में मोस्टली पीपल्स हैं जॉब उनको चूज़ कर लेती है। लेट्स सपोज आप घर बैठे हो, आपके सामने तीन जॉब आई हैं, वो तीनों आपने नहीं बुलाई, वो आई हैं, आप उनमें से एक चूज़ कर लोगे, उन तीन के अंदर से एक चूज़ कर लोगे या एक के अंदर से एक, तो एक्चुअली आपने जो जॉब को चूज़ करके भी जॉब को चूज़ नहीं किया। जी हम उनमें से पहले ये देखेंगे जो हमारे पैशन से मोस्ट रिलेटेड होगी ना, हम पहले उसको चूज़ करेंगे। तो इसमें ज़्यादा डिपेंडेंसी बाहर से चीज़ आ रही है ना, असल में तो आपकी जो वर्थ है ना वो तब होगी जब आप खुद सोचते हो कि मैंने इस फॉर्म में जाना है, मैंने इस काम में जाना है, और वहाँ पहुँच जाते हो, वहीं सीवी करते हो और कहते हो यहाँ से अगर कॉल आएगी तो ही मैं जाऊँगा, अदरवाइज नहीं जाऊँगा, तो वो मेरे ख्याल से एक जेन्युइन आपकी चूजिंग है जो आपने चूज़ की। लेकिन अब जैसे एक्सीडेंटली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हम लोगों का प्लान नहीं है, अगर प्लान पता क्या होता है, आप मुझे बुलाएं या मैं आपको बुलाऊं, तो ठीक, इसी तरह आप कीनली ऑब्जर्व करो, अल्टीमेटली गौर से देखें तो सब चूज़ बाहर से आने वाली चूज़ हमें इंतखाब कर, यानी कि वो हमें चला रही है, हम नहीं चला रहे। इसी तरह YouTube आपको चला रही है। लेट्स सपोज आपने पहले ये नहीं सोचा था कि मैं यार वीलॉगर बनना चाहता हूँ, और बाद में YouTube आया, ठीक है, आपने ये नहीं सोचा था कि यार मैं एक एंकर बनना चाहता हूँ, मुझे खबरें पढ़नी है कि मैं टीवी में कैसे जाऊँ, और फिर आपको पता चला YouTube है, तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ये दो अलग अलग है कि पहले आपने चूज़ किया फिर आपने इस्तेमाल किसी चीज़ का किया। अब जैसे कैमरा आपका ये है, ठीक है, आपने वीडियो बनानी है, ठीक है, वीडियो को चूज़ किया तो कैमरा लगा दिया, फिर ये कोई और कैमरा हो जाएगा, तो ठीक इसी तरह आपने जब चैनल बनाया ना वो बनाया पैसों के लिए, समझ में आया, जब पैसा है ना आपकी वर्थ, तो अब होगा ये, अब जैसे मैं मैथ का टीचर हूँ ना, मैं फिजिक्स भी अच्छी पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री भी अच्छी पढ़ाता हूँ, अब मैं 9th की वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, 10th की भी करता हूँ, जब मैं 9th की करता हूँ तो 10th वाले कहते हैं कि 10th की करो, जब मैं 10th की करता हूँ तो 10th वाले 9th वाले कहते हैं 9th की करो, अच्छा जब मैं फिजिक्स की रोकता हूँ तो वो कहते हैं मैथ की करो, जब मैं मैथ की करता हूँ तो वो कहते हैं कि फिजिक्स की करो, अब अल्टीमेटली वही बात है, इस दुनिया में जो हमें सांस मिले हैं ना ये इसलिए मिले हैं कि जाओ जी लो, अब वो जाओ जी लो में ये होता है कि मैं ये करूँगा। अब लेट्स सपोज मैं टीचर हूँ पाकिस्तान में, पता नहीं आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, पाकिस्तान में टीचिंग में ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर एक वीलॉगर जो है वो जितने ज़्यादा पैसे कमाता है यूट्यूब से, उसका 10% भी टीचर पाकिस्तान में नहीं कमाता, ऐसे ही है ना सर, मैं खुद भी टीचर हूँ, लेकिन
मैं बाय चॉइस टीचर हूँ। मैंने कहा यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ और मुझे ये चीज़ें सपोर्ट में भी हैं। क्योंकि मैंने कहा मैं करूँ क्या जिसके साथ मैं ये कह सकूँ कि यार ये मैं हूँ। अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि मैं टीचर हूँ, या कोई कहेगा मैं एंकर हूँ, या कोई कहेगा मैं व्लॉगर हूँ। तो मैंने कहा यार मेरा बैकग्राउंड भी, मेरे फादर भी टीचर थे, मैं भी टीचर हूँ, मुझे पढ़ाने में मज़ा भी आता है, स्टूडेंट्स भी खुश होते हैं, तो मैं पढ़ाने में बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने टीचिंग को चूज़ किया और फिर यूट्यूब को इस्तेमाल किया। अब यूट्यूबर्स के साथ पता क्या हो रहा है, उनको चाहिए पैसे, पैसे जब चाहिए होते हैं ना फिर बंदा ट्रक ड्राइवर भी बन जाता है, फिर बंदा नौकरी में भी चला जाता है, फिर बंदा यूट्यूब पे भी आ जाता है, फिर बंदा यूट्यूब की बजाय वो ब्लॉगिंग में चला जाता है, फिर बंदा कहता है ब्लॉगर नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन अर्निंग्स मुख्तलिफ जो कैटेगरीज होती है मैं वहाँ पे, क्योंकि उसका एक होता है पैसा। इसी तरह कुछ यूट्यूब पे पता है क्यों आते हैं, मशहूर होने के लिए, उनको पैसे से नहीं होते, फेम चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है। ठीक है, तो एक चीज़ निकल के आई, सबसे पहला सवाल ये है कि मुझे क्या चाहिए, उसके बाद यूट्यूब आता है। जब तक आप ये डिस्कवर नहीं करोगे ना, लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं यूट्यूब पे जो अब यानी कि 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए और वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको ये लग पड़ा कि इससे आगे हम यहाँ नहीं जा सकते, यानी कि ज़बरदस्ती खींच के मैं एक गाड़ी को यहाँ तक तो ले आया, अब उसके बाद वो अब मैं कब तक खींचूँगा। एक वक्त पे मुझे रियलाइज़ हो जाएगा मैं गधा हूँ कि मैं खींच खींच के ला रहा हूँ चीज़ों को और आप थक जाओगे। लेकिन एक कुछ जेन्युइन जो व्लॉगर्स होते हैं और जो एंकर्स होते हैं वो खींचते नहीं हैं, वो ये कहते हैं। अब लेट्स सपोज आपको लग रहा होगा कि मैं बात करने में बेहतर सवाल कर पा रहा हूँ या स्टाइल ले रहा या कुछ भी, उसके पीछे मेरी नेचुरल इंटरेस्ट है लोगों से बात करना या फिर सवाल सुनना या सवाल देना, मुझे इसके लिए मेहनत नहीं करनी। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, नियरेस्ट रहो। लेट्स सपोज किसी भी यूट्यूबर को ये नहीं पता होता, अब इस सवाल यहाँ पे आ जाता है आपकी फेवर करूँ तो, सर यूट्यूब पे काम करना चाहते हो और अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं और मुझको ये भी नहीं पता मैं किस काम में बेहतर हूँ, अब क्या करूँ। ओके, सवाल यहाँ पे आ जाता है, यानी कि ये सवाल यहाँ आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ ग्रूमिंग तो है नहीं, सेल्फ हेल्प भी नहीं है, कोई बात ही नहीं करता, तेरी ये स्ट्रेंथ है, तेरी ये वीकनेसेस है। ऐसी सिचुएशन में पता क्या करना चाहिए, अगेन दिल को सुनना चाहिए, दिल पता क्या कहेगा, कहेगा चक्कर काट के आ जाओ, चक्कर काट के आ जाओ। फिर उसके बाद क्या होगा, लोग कहेंगे तूने सही चक्कर काटा है, कुछ कहेंगे तूने गलत चक्कर काटा है, लेकिन एक्चुअली आप पता क्या होगा, जो मुझे ठीक लगा था मैंने वो काटा। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, फिर आप कहोगे यार चक्कर तो मैंने गलत काटा है, बेशक अपनी मर्जी से काटा है। ठीक है, फिर आप कहोगे चलो अब सीधा काट ले तो। ठीक है, फिर आप नया चलम ना कि सीधा काटने लगोगे ना, फिर आपको कोई कहेगा ना तू अच्छा नहीं है, आप कहोगे तुझे क्या पता मैं चक्कर काट के देखा है, मैं अच्छा हूँ। नहीं समझ में आया, यानी कि आप कभी किसी चीज़ को ना छीन नहीं सकते, इस दुनिया इस कायनात से कुछ भी छीन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें आपके अंदर सलाहियत रखी है ना, उसको इस्तेमाल करके ही आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जितनी देर लगाओगे ना और जितने मास्क चढ़ा लोगे अपने ऊपर, लेट्स सपोज मैं एक टीचर हूँ और कोई मुझसे इंप्रेस हो जाएगा ये तो बहुत आसान करना काम है, इधर से सीखो, इधर पढ़ो, उधर अपलोड कर दो, वो 100 वीडियो बनाने के बाद पजल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा मुश्किल एक जुमला है, कामयाब होना मुश्किल नहीं है, कामयाब रहना मुश्किल है। ओके, जब आपको दुनिया जाने, अब अगर क्रिकेट आप लोग देखते हो तो कितने ऐसे क्रिकेटर हैं जो टीम में तो आ गए, अब चले कैसे, वो ऐसे बहुत पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर, अब चलता कौन है जो जेन्युइनली अपने प्यार खेल से। अब जैसे मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो लाहौर के हैं जो अच्छे भी हैं, जो खेलते भी अच्छे हैं, बट अंदर से उनको शौक नहीं है टंडोल के। अब देखो टंडोलकर को इतनी ज़्यादा सेंचुरीज हैं उसके, इतनी ज़्यादा हैं, वो क्यों हैं, क्योंकि उसको उस काम में इंटरेस्ट था। अभी देखो आपको मैं बोलने नहीं दे रहा, खुद ही बोली जा रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है कि मुझे बोलने का शौक है। अब अगर मैं टीचर बनूँ तो मुझे ये फेवर में आ जाती है, अगर मैं आरजे रेडियो का बनूँ मुझे ये फेवर में आ जाता है। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ें मैंने बिल्ड किया। तो आपको भी यूट्यूबर जब तक समझ में नहीं आ रहा ना, आप चलते रहो, सारे गलत चक्कर काटोगे, लेकिन एक्चुअली जो मेन थिंग है ना आप काट लोगे। ये संदीप महेश्वर के कॉल है कि एक बंदे ने 99% एफर्ट की और गलत जगह पे की और फेल हो गया, उसको अब वो कामयाब हो गया मेरी संदीप की नज़र में। वो कहते पता क्यों कामयाब हो गया,
वो फेलियर उसका टेम्परेरी है, लेकिन एक्चुअली सक्सेस उसकी ये थी कि उसने 99% जो एफर्ट किए ना वो उसको आ गई। ओके, जब वो उसको आ गई ना, वो कहेगा यार ये चैनल नहीं बनाऊंगा मैं, ये चैनल बनाऊंगा, और वो सारे एक्सपीरियंसेस को उधर ला के फिट करेगा और वो आगे चला जाएगा। तो एक और क्वेश्चन है कि तो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, क्योंकि एक होता है हम जब एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं ना, तो वहाँ सीनियर जूनियर्स का एक कंसेप्ट होता है हमारे आपके पहले, सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, ये इस सवाल का जवाब क्या समझ में आया ये तो बता दो मुझे। मतलब आप कह रहे हैं कि आप अभी एट द एंड, इसका सवाल था ना, एट द एंड आप एक डायरेक्शन में पहुँच ही जाएंगे, आप बार बार ये मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी वीडियो का ना एक कोई कंटेंट नहीं होता, आप वो कह रहे हैं कि भाई उसका आंसर जो मुझे मिला है वो ये था कि आप अभी बनाते रहो लेकिन एट द एंड आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी जरूर, या तो आप इस फील्ड को छोड़ दोगे या आपको सही डायरेक्शन, हाँ, वो पजल नहीं होती, हम गलत सही कर रहे होते फिर ओ यार ये तो ऐसे बन सकती है। तो एक्चुअली तो गाड़ी चलाना जरूरी है, कहीं पहुंचना है, गलत अगर यहाँ लेट्स सपोज दरियाए चनाब नहीं आए सतलुज चले गए, लेकिन सतलुज जाके पता चलेगा कि हम चनाब नहीं आए सतलुज जाए, अब मैं घर में बैठ के कहूँगा मैं सतलुज जाऊँगा या चनाब जाऊँगा तो वो कहीं पर भी हम नहीं पहुँचेंगे। तो आई थिंक अब ज़िंदगी में मैंने ये जो लास्ट बात करूँगा, ज़िंदगी में जो मैंने सीखा है ना, सिर्फ मेहनत करो और मेहनत करके आराम से थक के सो जाओ, कुछ काम अल्लाह मियाँ के उस पर छोड़ दो और बस मेहनत करो ईमानदारी से, मेहनत कर डेली बेसिस पे मेहनत, अल्लाह मियाँ के निज़ाम ऐसे है, वो कहेगा यार ये मेरा बंदा ना लगा हुआ है, अब मेरा काम भी है कुछ, जब वो कहेगा ना यार इसका काम था चलना और सोचना जो इसको बेहतर लग रहा है, लेकिन अब इसने साबित कर दिया कि ये मेहनत से पीछे नहीं हट रहा, तो अब मैं इसको कोई ट्रैक, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ, मैंने उल्टे रास्तों पर इतनी मेहनत की कि वो मुझे सारे उल्टे ख़त्म हो गए, सीधा ही बच गया, वो एट द एंड एक ना एक मिल ही जाता है। लेकिन ये कंफ्यूज मत होना दुनिया, आप किसी को अगर आपकी दाढ़ी अच्छी लगती है ना उसको पूरी बॉडी में ना आपको कहेगा इसकी दाढ़ी बहुत अच्छी है, किसी को ड्रेसिंग अच्छी लगती है ना वो पूरी आपकी लुकिंग के अंदर सिर्फ सिर्फ ना आँखें देख रहा होगा, ना दाढ़ी देख रहा होगा, ना लिप देख रहा होगा, वो आपकी ड्रेसिंग देख रहा होगा, किसी को आपकी बात अच्छी लगती है वो कहेगा ये बंदा छोड़ो बातें सुनो, ये समझ में आया, यानी कि हर कोई अपने हिसाब से आपको एक राय देगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो 10 कमेंट या 10 बातें मेरी तरफ आ रही है ना उसमें से जो मैं सोचता हूँ वहाँ से कितनी मिल गई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक बंदा वीलॉगर भी अच्छा हो सकता है, एंकर भी अच्छा हो सकता है, वो मुख्तलिफ जगहों पे अच्छा हो सकता है, इन दी एंड फिर आपको चूज़ करोगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, ताकि कल कलां को कोई आपको कहे कि यार ज़िशान तूने 2 साल वो काम किया जो तुझे जो जिसमें तू नाकाम हुआ, तो आप कहोगे नहीं गलत कह रहे हो, मैं 2 साल वो काम किया जो मुझे ठीक लगता था और अब मैं इस नतीजे में पहुँचा हूँ ये मैं गलत था, अब मैं फिर वो काम करूँगा जो मुझे सही लगेगा, और इन दी एंड आपको एक दिन सही लगेगा। ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वही काम करते रहते हैं जो सारे बता रहे होते हैं, वो एक छोड़ते हैं दूसरा करते हैं दूसरा छोड़ते हैं तीसरा, क्योंकि वो एक्चुअली में खुद का काम मैटर करता है, गलत सही मैटर नहीं करता। जिसमें कंसिस्टेंसी और ग्रोइंग कि आप बेहतर ही हो रहे हो, लोग आपको पसंद से ज़्यादा पसंद और ज़्यादा पसंद और ज़्यादा पसंद, वो चीज़ है। शुक्रिया सर, ठीक है। हाँ मैं तो पत्थर चुप गया ना, अब मुझे फील हो रहा है, देखो ये होता है जेन्युइन शौक, दर्द भी फील नहीं हो रहा, दर्द भी फील नहीं हो रहा। ओके शुक्रिया।